हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। अपनी समस्याओं को, अपनी ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह से बताएंगे, ठीक है? क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे मांग विश्वास के साथ मांग, संदेह ना कर, ठीक है? पिता ने कहा हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहरों के समान होता है। जितनी तेजी से वह उछलती हैं आती हैं, उतनी तेजी से वह चली जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार से संदेह करने वाला मनुष्य भी उसी प्रकार का होता है। वह हमेशा संदेह ही करता रहता है कि हमें प्रभु से कुछ मिलेगा, वो यही संदेह करता रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें संदेह नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है, पिता हम सभी से प्रेम करता है। पिता हमें उदारता से देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी जरूरतों को जानता है, हमें क्या चाहिए, ठीक है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको किसी मनुष्य के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है, किसी मनुष्य के सामने मांगने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर से मांगिए, पिता हमें देगा। पिता हमारी जरूरतों को जानते हैं, ठीक है? प्रार्थना के जरिए ही पिता से बातचीत होती है, अपनी गरीबी को शेयर करते हैं, अपने दुखों को पिता से बताते हैं, ठीक है? पिता हमारा दयालु, पिता हमारा महान है। पिता हम सभी से इतना प्रेम किया है कि पिता ने अपना रक्त बहा दिया है, कीमती खून बहा दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों? हमारे और आपके कारण, हमारे और सारे मानव जाति के पाप के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसके ऊपर कोड़े लगवाए गए, क्रूस पर चढ़ाया गया उसको, ठीक है? मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना प्रेम पिता ने कहा किया है, ठीक है? तो पिता से आप भी प्रेम करिए, ठीक है? यीशु मसीह ने कहा है, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता ने कहा हमें पिता से मांगना है, किसी मनुष्य से नहीं मांगना है, क्योंकि मनुष्य तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मनुष्य तो तुमसे सिर्फ करवाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता तो जीवन दान देने वाला परमेश्वर है, जीवन दान देने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा जुलाह परमेश्वर है। उसकी तेजों में ब्लेसिंग हमारे सबों के साथ रहती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है? यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पिता ने कहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम पिता से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई हाँ तू परमेश्वर है और मैं अपने रास्ते चला, भाई ये कैसा विश्वास हुआ? हमें ऐसा विश्वास नहीं करना, ऐसा विश्वास किसी का उद्धार नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है, याद करो थोमा जो था, भालों से बैठा गया था, पतरस उल्टा लटकाया गया था, योना तेल में तला गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है, तो इनके दर्द को महसूस करो, ठीक है? हमें पाप गलती गुनाह नहीं करना, क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप रहता है तो परमेश्वर की प्रार्थना को भी नहीं सुनता है, ठीक है? पिता पवित्र है, यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी अपने सारे चल चलन में पवित्र बनो। हम सभी को पवित्र बने रहना है, ठीक है? कोई पाप गलती गुनाह अगर होता भी है, मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम मानव जाते हैं, हमसे पाप हो सकता है, ठीक है? तो हमें पिता के सामने मानने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, उन्हें छोड़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है, पिता हमारे अपराधों को हिमकिनाई शुद्ध कर देगा, बर्फ के समान शुद्ध करने वाला परमेश्वर हमारे अपराधों को, गुनाहों को। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। मोबाइल को एक साइड में रख दें और इस प्रार्थना को काट पीट के ना देखिए, लास्ट तक सुने। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते। मेरे प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु की प्रभु। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे पिता यीशु पापा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे पिता, मेरे प्रभु हम खास तौर से विनती करते हैं। मेरे प्रभु, जो आपने हम सभी को जीवितों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा है यीशु राजा, इसके लिए पिता यीशु पापा हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, कितने मनुष्य होंगे, कितने आने जाते लोग होंगे, संसारी लोग होंगे पिता, वे मर गए होंगे, वे ऐसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे पिता, जहाँ का धुआं युगानुगुड़ता रहता है, जहाँ की आग नहीं बुझती, जगह कीड़े नहीं मरते मेरे पिता। मेरे प्रभु होने दे मेरे पिता, हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं मेरे पिता, जो बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त जकड़े हुए हैं मेरे पिता, परमेश्वर नहीं ठीक होते पिता, तमाम पैसा लगा चुके हैं, इलाज करवा चुके, फिर भी वो नहीं ठीक होते मेरे पिता, आप चंगा करने वाला परमेश्वर पिता, आपने कहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हर एक जनों को छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए, यू टच भी पवित्र आत्मा जी, यू टच भी पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर दीजिए हर एक जनों को, ब्लेस कर दीजिए,
बीमारियों से ब्लेस कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर पिता। पिता अपने पैरों पर खड़े होकर चल नहीं पाए, अच्छी रीति से चल नहीं पाए पिता, जो लंगड़े नहीं चल पाते किसी बात को, किसी बात में, किसी बीमारियों में, जकड़े में पिता परमेश्वर पिता, पिता वे चल नहीं पाए, अपने पैरों पर चल नहीं पाए पिता। जिस प्रकार से पिता अपने कोई रोगी से कहा था पिता उठ अपनी खाट उठा अपने घर को जा मेरे पिता परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से पिता इन जो लंगड़े हैं नहीं चल पाते उनको भी चलाइए, आप हाथ पकड़ कर चढ़ाने लगे परमेश्वर यीशु पापा। मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हम सभी को ज्योतों के बीच में जीवित रखा मेरे पिता, जो नया जीवन दिया, अमर जीवन दे दिया है, अमर अजर मिराश का जो कभी नाश नहीं होता पिता परमेश्वर, प्रभु जिसके लिए पिता हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो हम सभी को लाखों भीड़ में से इस संख्या में से चुन लिया पिता, इस संसार से चुनकर अलग कर दिया पिता परमेश्वर पिता। हम सच्चाई को जान चुके पिता, आप सत्य हैं पिता परमेश्वर, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता मेरे प्रभु, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर पिता। जो अभी भी अन्य जाति लोगों के संसारिक लोग हैं पिता, जो अभी संसार में लिप्त हैं, अंधकार की शक्ति में लिप्त हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरे पिता हम सभी धन है पिता परमेश्वर। आपने कहा धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने धन्य कहा है उस पुरुष को मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरे पिता। उसी प्रकार से पिता हम सभी को भी पवित्र बनाइए पिता, पवित्र बनाइए मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे पिता जहाँ पर आप रहते हैं वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे प्रभु। मेरे पिता हर एक जनों को पवित्र बनाइए पिता, पवित्र बनाइए पिता, दूध के समान श्वेत करिए पिता, उनके अपराधों को गुनाहों को मिटा डालिए पिता परमेश्वर पिता। अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को मिटा डाल पिता, अपनी करुणा के अनुसार मेरे पिता हम सभी मसीह भाइयों के ऊपर पिता अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता, दया कर पिता परमेश्वर, जीवन दान दे देने परमेश्वर, दाता विधाता यीशु मसीह आप हैं यहोवा जिलावन यश, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम आपका जितना भी धन्यवाद करो उतना ही कम है पिता, क्योंकि हम महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई महिमा करने के योग्य मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाइयों के लिए, पति पत्नियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो लड़ाई झगड़ा नहीं बंद होता है यीशु मसीह आपके नाम से पिता, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए यीशु मसीह आपके इंसान नाम से पिता। जो शैतान के जीवन में कार्य करता है, रोक रोक के बंधन डालता है मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हर एक जनों को छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए पिता परमेश्वर। एक शैतान का आना जाना बंद हो जाए इस मसीह आपके नाम से मेरे प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जिन मसीह भाइयों की शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो शादियों को लेकर टूट चुके बिखर चुके मेरे पिता परमेश्वर, टेंशन डिप्रेशन में मेरे पिता पवित्र आत्मा जी पिता, उनकी शादियां हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता वचन के हिसाब किताब से अपना जीवन बिताने पाए मेरे पिता परमेश्वर पिता। शैतान नाश करने पर ना करने पर पिता, क्योंकि शैतान तो फाड़ने वाला भेड़िया पिता, शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है मेरे पिता, वह इसी खोज में रहता है मेरे प्रभु, किसको फाड़ नोच खाए मेरे पिता परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु खास दौर से विनती करते प्रार्थना करते मेरे प्रभु, जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता, भय लगता, गंदे सपने, ख्याल विचार आते मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, हर उन्हें को छुए पिता और उन्हें अच्छे से सुख की नींद दीजिए पिता, सुख की नींद आने पाए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु। आपने कहा है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तो सुख की नींद आएगी मेरे प्रभु। आपके नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आपके नाम से पुकारते मेरे प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु। पिता ने सुख की नींद दीजिए पिता, आपके लहू का बाड़ा बांध देते, आपके दूध का बाड़ा बांध देते मेरे पिता। पिता मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्रार्थना को सुना पिता, ये छोटी सी विनती आपके सामर्थ्य नाम से मांगते सुने और कबूल करेगा। आमीन आमीन।